फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ बीकानेर के मशहूर जूनागढ़ फोर्ट में। ये किला बीकानेर की एक बेहद शानदार इमारत है। इस किले के चारों ओर बीकानेर शहर बसा हुआ है। पहले इस किले को चिंतामणि के नाम से जाना जाता था, लेकिन 20th सेंचुरी में इसे बदलकर जूनागढ़ रख दिया गया। फ्रेंड्स, बीकानेर की जो नींव थी वो राव बीकाजी द्वारा 1478 में रखी गई थी, लेकिन जूनागढ़ किले की इस संरचना का निर्माण 1589 में राजा राय सिंह जी द्वारा शुरू किया गया था। और 350 साल का समय और 16 राजाओं के अथक प्रयास के बाद 1937 में ये किला बनकर तैयार हुआ है। इसका निर्माण जिस पत्थर से हुआ है उसे कहते हैं रोज रेड सैंडस्टोन, जो बीकानेर के पास ही 65 किलोमीटर दूर एक दुलमेरा गांव है वहां से इंपोर्ट किया गया है। फ्रेंड्स, बीकानेर आने के लिए सबसे परफेक्ट टाइमिंग है नवंबर से फेब। इस टाइम थोड़ी ठंडक भी रहती है और आपको घूमने का भी मजा आएगा। और इस किले को विजिट करने का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से शाम की 5 बजे तक रहता है। किले को घूमने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है। बीकानेर में आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन, सड़क और हवाई माध्यम से आ सकते हैं। बीकानेर का एयरपोर्ट, जो कि जूनागढ़ किले से कुछ 13 किलोमीटर दूरी पे सिचुएटेड है। बीकानेर का बस स्टैंड 2.9 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन 1.9 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स, बीकानेर किले के कुल 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से मुख्य 2 द्वार हैं करण पोल और सूरज पोल। करण पोल जो है वो पूर्व दिशा की ओर खुलता है। इस किले के जो अन्य द्वार हैं जैसे दौलत पोल, चांद पोल, फतेह पोल, उन पर जिन महिलाओं के ये हाथों के निशान हैं, ये उन महिलाओं के हैं जिनके पति युद्ध में मारे गए थे और जो अपने पति के साथ सती हो चुकी थी। फ्रेंड्स, 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला किया था, तो वहां पर कल्ला जी, राठौड़ और जयमल जी जो उनके चाचा थे, उन्होंने बड़ी वीरता के साथ में युद्ध किया और मुगलों से युद्ध करके कई दिनों तक उनको रोक के रखा। अंत में अपीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी शौर्यता के कारण बीकानेर के इस किले के द्वार पर हाथियों के ऊपर जो ये मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये मूर्तियां उन्हीं की याद में बनाई गई। फ्रेंड्स, इस भव्य हाथी की मूर्ति के पास आप ये जो गेट देख रहे हैं, इसका नाम सूरजपुल गेट है। ये इस किले का मेन गेट है। फ्रेंड्स, इसके दरवाजों पर देखिए आप ये कीलें लगी हुई हैं जो सुरक्षा के लिए लगाई जाती हैं। इस किले की दाई तरफ माँ करणी जी का एक मंदिर बनाया गया है और बाई ओर गणेश जी विराजमान है। ये इस किले की पार्किंग है। फ्रेंड्स, पार्किंग आपको 20 से 30 रुपए फोर व्हीलर के लिए ली जाती है यहाँ पर, तो आप अंदर भी ला सकते हैं अपना वाहन। बात की जाए किले के टिकट की, तो फ्रेंड्स, एडल्ट्स के लिए 100 रुपए इसका टिकट है और बच्चों के लिए 50 रुपीज इसका टिकट है। और अगर आप कोई प्रोफेशनल मूवी कैमरा से शूट करना चाहते हैं तो 200 रुपए उसका चार्ज है। फ्रेंड्स, ये किले का त्रिपोलिया गेट है जो आपको राजस्थान के लगभग सभी किलों में बना देखने को मिल जाएगा। इस गेट के आसपास ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये महाराज गंगा सिंह जी ने अपने शासन के 50 इयर्स कंप्लीट होने की खुशी में बनवाया था। ये इटली के वेनिस शहर की वेनिसियन शैली से बना हुआ है। यहाँ इस चौक तक हाथी की सवारी आया और जाया करती थी। इसके आगे अंदर जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। और हाल ही में रिलीज हुई जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय कुमार और इमरान हाशमी जी की एक फिल्म सेल्फी, उसका सॉन्ग भी इसी किले में फिल्माया गया था। फ्रेंड्स, ये जो लेफ्ट साइड में आप प्रतिमा देख रहे हैं त्रिपोलिया गेट के अंदर आती है, ये वीर दल्ला बागोड़ा जी की प्रतिमा है। इनके बारे में कहा जाता था कि जब महाराज डूंगर सिंह जी का शासनकाल था तो उस समय वो अपने विवाह के लिए कच्छभुज की तरफ गए थे, तो उनकी गैरहाजिरी में जो यहाँ के कैदी थे उन्होंने विद्रोह करके खजाना लूटने का प्रयास किया था किले का, तो उन कैदियों का इस गेट पर वीर दल्ला जी ने बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया जब तक सेना नहीं पहुंची, और अंत में वो वीरगति को प्राप्त हो गए, इसलिए उनकी याद में उनकी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। ये जो आप रास्ता ऊपर चढ़ते हुए देख रहे हैं, इस रैंप की खासियत ये है कि इसमें जो एक आप डिजाइन देख रहे हैं, ये घोड़ों के पैरों में ग्रिप बनाने के लिए इस तरह से डिजाइन बनाया गया था। और पुरानी एक फिल्म क्षत्रिय फिल्म का नाम सुना होगा आपने, संजय दत्त, धर्मेंद्र और सनी देओल की, उस फिल्म का ये जो सीन आप देख पा रहे हैं, इस सीन को भी यही इसी पूरे किले में फिल्माया गया था। इसके काफी दृश्य, लगभग 70% दृश्य इस किले में फिल्माए गए थे। ये जो परिसर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको विक्रम विलास कहा जाता है। यहाँ पर जब भी कोई शाही अतिथि या रिश्तेदार आया करते थे तो उनका स्वागत किया जाता था, और दशहरा पर्व के समय यहाँ पर शस्त्रों की पूजा भी की जाती थी। ये
ये किले का दूसरा भाग होली चौक है। यहाँ पर महाराज होली खेला करते थे। इस छतरी के नीचे महाराज जी बैठ जाया करते थे और शाही मिनिस्टर या बड़े व्यापारी जिन्हें भी अंदर आने की अनुमति हुआ करती थी वो राजा के पैरों पर गुलाल लगाकर होली खेला करते थे। और चूंकि अपरिचित व्यक्तियों के सामने महल की रानियां नहीं आया करती थी इसलिए ये ऊपर जो झरोखे आप देख रहे हैं यहां से वह समारोह को देखा करती थी। और झरोखों का सफेद रंग चूने में कुछ विशेष धातुओं के मिश्रण करके तैयार किया जाता था जो काफी सुंदर लग रहा है। ये करण महल है दोस्तों। इस महल का निर्माण महाराज करण सिंह जी ने 1680 में करवाया था। महाराज करण सिंह जी ने जब औरंगजेब से युद्ध जीता था तब इस महल को बनवाया था फ्रेंड्स। ये करण महल का राजतिलक कक्ष है। महाराजा करण सिंह जी के बाद जो भी राजा बने उन सबका राजतिलक यही हुआ। और ये जो सिंहासन आप देख रहे हैं इसका वजन 300 किलो है और ये चांदी का बना हुआ है। और ऊपर जो ये आप वर्क देख रहे हैं ये गोल्ड से किया गया वर्क है। फूल महल और चंद्र महल बीकानेर के 10th किंग राव गज सिंह जी ने अपनी दो प्रिय पत्नियों के लिए बनवाया था। इसकी छत पे जो वुडन वर्क है वो लगभग 360 ईयर ओल्ड है। इस महल में जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनके उस समय के जो एक्सपीरियंस होते थे रिसेंट एक्सपीरियंस होते थे कहीं भी जैसे शिकार पर जाते थे या फिर जो भी वो देखते थे उस हिसाब से वो बनाई जाती थी। और धार्मिक पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं इसके अंदर। कृष्ण भगवान जी विष्णु भगवान जी सभी की पेंटिंग्स इन कक्षों में बनाई गई है। इतिहासकारों का भी कहना है कि जो इस महल का सबसे पुराना महल है वो फूल महल ही है। इस पेंटिंग में राव बीका जी जब जोधपुर से अपने 500 सैनिकों के साथ अपना नया राज्य बसाने निकले थे तब अपने साथ कुछ बेशकीमती वस्तुएं लेकर आए थे वो दिखाया गया है जो इस कक्ष में रखी हुई है। फ्रेंड्स बीकानेर की स्थापना के कुछ समय बाद में राव जोधा जी की जब मृत्यु हो गई थी तो राव बीका जी वापस जोधपुर गए थे अपनी सेना के साथ जो राठौड़ वंश के प्रतीक चिन्ह होते थे पूजनीय प्रतीक चिन्ह उन्हें लेने। एक बार तो उनकी माता जी को लगा कि वो अपने बड़े भाइयों से युद्ध करेंगे लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मैं अपने प्रतीक चिन्हों को लेने आया हूं। तो फिर सम्मान वो अपने सारे जितने भी प्रतीक चिन्ह थे राठौड़ वंश के वो यहां पर लेकर आए और रायमल जो शासक थे उन्होंने इस अपने इस महल के अंदर उन सारे प्रतीक चिन्हों को संभाल कर एक म्यूजियम की तरह यहां पर रख दिया है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इन्हें माही मरातीब कहा जाता है जो गोल्ड और पीतल के बने होते हैं जिन्हें पर्शियन किंग्स यूज किया करते थे जो कि एस्ट्रोलॉजिकल साइन के हिसाब से बनाए जाते थे। उनका ये रिवाज मुगलों ने गोद लेकर इस्तेमाल करना शुरू किया और बीकानेर के 3 शासक महाराज करण सिंह गज सिंह और अनूप सिंह जी को ये मरातीब मुगलों द्वारा भेंट के रूप में मिले थे। फ्रेंड्स राजा करण सिंह जी को जैसलमेर का एक शिल्पकार मिले जब उन्होंने अपना सैंपल दिया इस तरह के गोल्डन प्लास्टर शिल्पकारी का तो वो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसे अपना शाही शिल्पकार घोषित करके उन्हें अपने महल में शरण दे दी। ये जो आप देख रहे हैं ये सब उन्होंने ही बनाए थे और इन्हीं शिल्पकारियों से प्रभावित होकर रियासतकालीन समय में जो और अमीर लोग होते थे उन्होंने भी इस कला को कॉपी किया और उस समय काफी प्रचलित ये शिल्पकारी हुआ करती थी। और ये दरवाजा जम्मू कश्मीर के अखरोट की लकड़ी से बना हुआ है। ये किले का थर्ड और सबसे पुराना हिस्सा है फ्रेंड्स। इसमें एक ग्राउंड फ्लोर पे राजा रहा करते थे। इस चौक में अक्सर राजा नृत्य और महफिल आदि का लुत्फ लिया करते थे। और इन झरोखों के नीचे जो ये नोकदार स्टोन 1, 3 और 5 की सीरीज में दिखाई दे रहे हैं जो 1 है वो ब्रह्मांड 3 वाला ब्रह्मा विष्णु महेश और 5 वाला सृष्टि के पंच तत्वों जो कि अग्नि वायु जल धरती और आकाश के प्रतीक हैं। फ्रेंड्स ये किले का बादल महल है जो शाही म्यूजिक रूम हुआ करता था क्योंकि वर्षा ऋतु सबसे अच्छी मानी गई है इसलिए इस कमरे को मानसून का एक रूप दिया गया है स्वरूप दिया गया है। ये लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी माता जी की मूर्ति है जो गोलकुंडा से इंपोर्ट की गई थी। इसकी छत पे बादलों की आकृति बनाई गई है और नीचे वर्षा का पानी गिरता दर्शाया गया है। ये किले का डूंगर निवास महल है जिसमें रियासतकालीन फर्नीचर संभाल के रखे गए हैं। ये इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर कुछ 200 साल पुराना है जिसमें आज भी डेली पूजा की जाती है।
और ये इन फोटोज में जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं ये सिद्ध जाति के लोग होते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें भगवान से कुछ स्पेशल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनके वंशज आज भी बीकानेर में निवास कर रहे हैं। ये महल में मनोरंजन के लिए टिपिकल खेल और करतब दिखाया करते थे और उनके काम में लिए जाने वाली सामग्री को यहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है। कृष्ण भगवान का ये झूला 160 साल पुराना है। जन्माष्टमी के दौरान कृष्ण लला को इस पे झुलाया जाता था। इस झूले की डिजाइन मंदिर की तरह बनवाई गई थी। इसमें ये छोटी छोटी आकृतियां कृष्ण जी की गोपियों के रूप में बनाई गई थी और जब भी इस झूले को चलाया जाता था तो एक ही तार में जुड़ी ये सारी गोपिकाएं एक साथ नृत्य किया करती थी और ये एक सुपर मैकेनिज्म का उदाहरण भी है रियासत काल का। ये सामने जो आप दरवाजा देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये हाथी दांत का बना हुआ दरवाजा है और इसके ठीक सामने ये बेड वाला कक्ष, ये महाराज जी का कक्ष होता था। ये बेड इतना छोटा और नीचे इसलिए होता था सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि अगर मान लो कोई बांध भी देवे राजा जी को किसी मंशा से तो वो उठ के एकदम से खड़े होकर झटके से खड़े हो सकते थे, इसलिए इसको नीचे रखा गया था। बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। ये जो स्टोन होते थे, कॉस्टली स्टोन आते हैं, जो उनके पाउडर से इसका पूरा वर्क किया गया है। विभिन्न प्रकार की कृष्ण भगवान जी की रासलीला के समय की एक पेंटिंग बनी हुई है यहाँ पे। और गेट तो सारे गेटों में इतना अच्छा सुंदर डिजाइन किया गया है, आकर्षक। ये लक्ष्मीनाथ जी के राव भीता जी गंगा सिंह जी जो थे बहुत बड़े भक्त थे, वो उसका एक पेंटिंग बना हुआ है यहाँ पे इस कक्ष में। श्री सूरत विलास कहते हैं फ्रेंड्स इस जगह को। ये सामने जो जगह दिखाई दे रही है इसमें महल के हाथी और घोड़े रखे जाते थे और इस महल की सुरक्षा के लिए इस बाउंड्री के बाहर की ओर नीचे 30 से 35 फीट गहरी और 20 से 25 फीट चौड़ी खाई बनी हुई थी। ये स्ट्रक्चर शस्त्रागार होता था और ये वाली बिल्डिंग में प्रिंटिंग प्रेस चलाई जाती थी महाराज गंगा सिंह जी के समय, और यहाँ अपराधियों को कैद करके रखा जाता था। फ्रेंड्स ये कक्ष महारानियों के लिए हुआ करता था। गर्मियों के दौरान ये कमरा काफी ठंडा रहता था, इसकी छत और खिड़कियां दरवाजे वेंटिलेशन काफी अच्छा हुआ करता था। और सामने जो आप ये फोटो के अंदर स्टैचू की फोटो देख रहे हैं, ये इस किले के बाहर सामने की ओर गेट के जूनागढ़ किले का करण पोल है जो पूर्व दिशा की ओर, उसके ठीक सामने ये स्टैचू ऐसे बनाया गया है। ये एक महाराज गंगा सिंह जी के पुत्र थे विजय सिंह जी, कैंसर की कारण जिनकी मृत्यु हो गई इन्हीं के नाम पे उन्होंने PBM हॉस्पिटल का निर्माण भी कराया बीकानेर में। और ये स्टैचू इसलिए यहाँ बनवाया गया क्योंकि जब विजय सिंह जी की माता भटियानी रानी अजब कुंवर जी खिड़की खोलती थी तो सामने ये स्टैचू को देखकर वो अपने बेटे के दर्शन किया करती थी, उनकी स्मृति के लिए बनाया गया था। गुप्त दरवाजे जो भी बंद कर रखे हैं आम जनता के लिए, यहाँ पे जाना मना है। ये यहाँ से भी शॉर्टकट है, क्या आगे नहीं जा सकते। फ्रेंड्स महल का ये हिस्सा सबसे आखिरी में कराए गए कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है जो लगभग 80 से 100 साल पहले तक दुलमेरा के बलुआ पत्थर से महाराज गंगा सिंह जी द्वारा बनवाया गया है। ये महल की रानियों के लिए एक गैलरी हुआ करती थी, यहाँ से झरोखों से वो देखा करती थी नीचे जो भी महल में कार्रवाई होती थी। बीकानेर के 23वें महाराजा करणी सिंह जी 25 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। जब वह राजनीति से निवृत्त होकर वापस बीकानेर लौटे या जब उनका राज्याभिषेक हुआ और एक बार इंडिया के लिए डबल टैप शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर आए, तब इन्हीं मौकों पर बीकानेर की जनता द्वारा उन्हें काफी सारे अभिनंदन पत्र भेंट स्वरूप दिए गए जो इस कमरे में दीवारों पर टंगे इन फ्रेम्स में सुरक्षित रखे गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ किले के शस्त्र रखे गए हैं
और राजा महाराजाओं की तलवारें उनके प्रयोग में लिए जाने वाले जितने भी शस्त्र हुआ करते थे वो कैसे काम में लिए जाते थे जिस जिस प्रकार के थे वो सब यहाँ पे रखे गए हैं, कटार से लेके तलवार से लेके बंदूकों तक। फ्रेंड्स आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। जी हाँ दोस्तों, ये वही बंदूकें हैं जिन्हें दो कंधों की जरूरत पड़ती थी और दूसरे के कंधे पर रखकर इस बंदूक को चलाया जाता था जिसकी हाइट लगभग 4 मीटर हुआ करती थी। ये इंग्लैंड की क्रम्पटन पार्किंसन कंपनी का 1940 मेड फैन है जो बीकानेर में लाया गया पहला फैन था। इस फैन को ऑयलिंग और बेयरिंग सर्विस की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये आज भी एक्टिव कंडीशन में है। फ्रेंड्स ये हॉल 19 सेंचुरी का दरबार हॉल था। इसकी छत की हाइट 40 फीट है और इसमें इटली, म्यांमार, इंग्लैंड, फ्रांस से इंपोर्ट की गई एक्सेसरीज यूज की गई है जैसे मार्बल, ऊपर छत पे लगे वो लैंप्स और वगैरह। जब महाराज गंगा सिंह जी ने अपने शासनकाल की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की थी तो वो इसी हॉल में की थी। और ये राव बीकाजी द्वारा कन्नौज से लाया गया थ्रोन जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 900 साल पुराना है फ्रेंड्स और चंदन की लकड़ी से भरा हुआ है। फ्रेंड्स ये महाराज गंगा सिंह जी की शाही पोशाक है और ये जो आप देख रहे हैं ये इन्हें जिरह बख्तर कहा जाता है जो युद्ध के दौरान जो धारण किए जाने वाले वस्त्र होते थे जिससे किसी भी प्रकार के वार से उनको बचाव मिलता था, जिसमें हेलमेट और हाथों के लिए और चेस्ट के लिए काफी सारे कवर्स आते थे। फ्रेंड्स महाराज गंगा सिंह जी एक बड़े ही मेहनती और जुझारू शख्सियत थे। ये उनका ऑफिस है जिसमें वो दिन के करीब 6 से 8 घंटों तक मीटिंग्स और बीकानेर के डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर प्लानिंग्स किया करते थे, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, या बीकानेर में गंग नहर लाना, इलेक्ट्रिसिटी लाना, चाहे बाकी स्टेट से रेल कनेक्टिविटी करवाना, जैसे सभी कार्य वो इसी ऑफिस में किया करते थे और उनके टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी यहीं रखे जाते थे। इसी कक्ष में उनके पहने जाने वाले कपड़े, उनके 90 साल पुराने दूरसंचार यंत्र जिसे वो फोन पे बात किया करते थे, उनकी स्टैम्प, बीकानेर की स्टैम्प, उनकी स्टेशनरीज और उनके फर्नीचर टेबल्स वगैरह सब यहीं इसी रूम के अंदर हैं। फ्रेंड्स ये हॉल महल का दीवाने आम हुआ करता था। यहाँ महाराज लोग जनता से रूबरू होकर उनकी प्रॉब्लम्स सुनते और सॉल्व किया करते थे। इसमें रखे ये जो फाइटर प्लेन आप देख रहे हैं इसका नाम है हेविलैंड DH-9DE प्लेन और ये 1917 में बने थे। फ्रेंड्स 1917 में ऐसे 2091 प्लेन मैन्युफैक्चर हुए थे और इंडिया में ये इकलौता प्लेन बीकानेर के इस महल में रखा हुआ है। ये प्लेन सिंगल इंजन का है और इसमें 2 लोगों के बैठने की जगह है और इस प्लेन को खास तौर पर बॉम्बिंग के लिए यूज में लिया जाता था। फ्रेंड्स अब मैं आ गया हूँ किले के बाहरी ओर और यहाँ चल रहा है राजस्थान का फेमस गणगौर फेस्टिवल। अगर आप गणगौर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान की बैचलर गर्ल्स एक अच्छा पार्टनर पाने के लिए और मैरिड वुमेन्स अपने हस्बैंड की अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए इस गणगौर व्रत को करती है। और इस किले में यहाँ की लोकल जनता शाही परिवार से गोल भरवाने वाली एक परंपरा निभाने के लिए एकत्रित हुई है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको और ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक माय वीडियो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और जल्दी मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। जाते जाते आज के युवा वर्ग से मेरा एक ही निवेदन है कि जो भी नशे करते हैं
उन्हें त्यागें और अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराएं और अपने चरित्र का निर्माण कुछ इस प्रकार करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। अभी के लिए गबरू केडी साइनिंग ऑफ।